ये पार्टनरशिप ये बात साबित करती है कि अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करें तो आप इस पिच पे खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब बहुत ही मुश्किल है इस पिच पे बैटिंग करना, तो बहुत अप्रोच में भी फर्क नजर आया। इंडिया की जानिब से विकेट जब गिरी हैं बिल्कुल इस शेल में घुस गए हैं, खास करके आई वाज बिट डिसअपॉइंटेड विद सरफराज। लाइक यू शुड प्ले योर नेचुरल गेम। डोमेस्टिक में भी जब तुम 70 के स्ट्राइक रेट से रन करते हो, और पिछले मैच में भी तुम्हारी आरपी वाह वाह बल्ले बल्ले यही कर रहा था। आज का स्टार्ट बड़ा स्लो होता है। जो रूट और ऑली रॉबिसन खेलते हैं, पार्टनरशिप लगाते हैं, जैसे ही रॉबिसन आउट होता है इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है। 353 के ऊपर ऑल आउट हो जाती है, जो रूट नॉट आउट जाते हैं। उसके बाद जब इंडिया बल्लेबाजी करने आता है तो रोहित शर्मा एंडरसन की शानदार डिलीवरी के ऊपर आउट होते हैं। एंडरसन जिसको कहते हैं ना, अभी भी कायम और दाइम है, शानदार किस्म की बॉलिंग करते हैं अपनी। और उसके बाद फिर गिल और जायसवाल के दरमियान में शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगती है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो रूट लेके चले थे, इस तरीके से ये दोनों भी लेके चलेंगे और इंडिया बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर होते हैं। लेकिन एकदम शुभमन गिल, आपको पता ही है, सेट होने के बाद एकदम ऐसे आउट होके जाता है और फिर क्या होता है। और जैसे इंग्लैंड ने सुबह बैटिंग की तो उस सुबह तो खैर वो मॉइस्चर भरा था। सुबह आई थिंक रोहित ने थोड़ा सा सिराज को ज़्यादा बॉलिंग करा दी, ही शुड हैव ब्रॉट ऑन स्पिनर्स वेरी क्विकली, लेकिन वो क्योंकि सेकंड न्यू बॉल थी तो आई थिंक दैट इज़ वाई मतलब उसके जहन में था। लेकिन जडेजा ने फिर विकटें ली और इंग्लैंड फिर आफ्टर रॉबिन्सन और उसकी जो पार्टनरशिप हुई है रूट की, मतलब आप सोचें यार, रूट ने अकेले खड़े होके 200 की पार्टनरशिप्स की, एक बेन फोक्स के साथ और एक फिर ये रॉबिन्सन के साथ, उसने 102 या 3 की पार्टनरशिप की है और बीच में एक 40 या 25 की उसने पार्टनरशिप की उसके साथ कैसे बोलते हैं हार्टली के साथ। सो दीज लाइक रन ऑन द लास्ट 3-4 विकेट्स हैव बीन सो वैल्यूबल फॉर मतलब इंग्लैंड। और जो रूट नॉट आउट हो गया भाई वो 122 पे, और उसकी और जायसवाल की इनिंग में फ़र्क ये था कि रूट तो बिल्कुल ही कैसे बोलते हैं मेथोडिकल तरीके से और बिल्कुल जो एक कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट बैटिंग होती है वैसे वो करके गया। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथे टेस्ट का दूसरा दिन समाप्त होने पर इंग्लैंड के 353 के बदले भारत ने 219 रन बोर्ड पर लगाए, जिसमें भारत के 7 विकेट भी गए। पर जिस तरीके से ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव ने बैटिंग की, ये दोनों अब भारत के लिए लास्ट होप है, क्योंकि इनको छोड़कर कोई भी ऐसा भारतीय बैट्समैन नहीं है जो कि अच्छे से अप्लाई कर बैटिंग कर पाया। जहां पर यशस्वी जायसवाल ने एक और बार बता दिया कि वो कॉम्पैक्ट बैट्समैन है और उनके ऊपर निर्भर किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल पिच पर 73 रन बनाए और उसके बाद ध्रुव जुरेल 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उनका साथ कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी तरीके से दिया। जहां पर इन दोनों ने सेशन के लास्ट 18 ओवर दमदार बैटिंग कर खेल कर निकाले और सबको लग रहा था कि भारत आज ही ऑल आउट हो जाएगा, पर जिस तरीके से इन दोनों ने बैटिंग की और भारत को एक लास्ट होप दी, ऐसा लग रहा है कि कल भी अगर ये ऐसे ही बैटिंग करते रहे तो भारत इंग्लैंड के स्कोर के नज़दीक पहुंच जाएगा। पर आज के दिन के स्टार शोएब बशीर रहे, जहां पर उन्होंने 84 रन दे के 4 विकेट निकाले और लगातार 31 ओवर डाले। किसी भी यंगस्टर के लिए लगातार 31 ओवर डालना बहुत ही मुश्किल है और ये उनकी सेकेंड टेस्ट मैच ही है, पर इंग्लैंड को उनके ऊपर पूरा भरोसा था और वो इंग्लैंड के भरोसे पर पूरी तरह सच साबित हुए। अगर इंग्लैंड को ये मैच में अपनी ग्रिप टाइट करनी है तो उनको ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव को कल निकालना होगा, वो भी बहुत ही जल्दी, नहीं तो ये दोनों इंग्लैंड से ये मैच को बहुत दूर लेकर जाएंगे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, धन्यवाद। एंड पे बहुत अच्छा रिजॉल्व दिखाया है कुलदीप ने, और खास करके कुलदीप ने, क्योंकि उसने ज्यादा गेंदे खेली हैं, ऑलमोस्ट 18 ओवर दोनों मिलके जुरेल और कुलदीप खेल गए हैं। और 18 ओवरों में ठीक है रन भी 42 आए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम रुका हुआ है। तो ये पार्टनरशिप ये बात साबित करती है कि अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करें तो आप इस पिच पे खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब बहुत ही मुश्किल है इस पिच पे बैटिंग करना,
तो बहुत अप्रोच में भी फर्क नजर आया। इस वक्त जो इंडियन टीम है वो ट्रबल के अंदर है, 7 आउट हो चुके हुए। अभी तक इस टेस्ट सीरीज के अंदर इंग्लैंड को लीड नहीं मिली थी, अभी तक इस टेस्ट सीरीज के अंदर इंग्लैंड को लीड नहीं मिली थी। क्या इंग्लैंड कल के दिन लीड निकाल लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब मिलेगा ध्रुव जोरडल और कुलदीप यादव की विकेट के बाद। अगर तो ये खेलते रहे तो ये ले जाएंगे, लेकिन अगर ये आउट हो गए तो इंग्लैंड के पास लीड आ जाएगी। अब जरा बात करते हैं आज के पूरे दिन की। आज का स्टार्ट बड़ा स्लो होता है, जो रूट और ऑली रॉबिसन खेलते हैं, पार्टनरशिप लगाते हैं, जैसे ही रॉबिसन आउट होते हैं इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है, 353 के ऊपर ऑल आउट हो जाती है, जो रूट नॉट आउट जाते हैं। उसके बाद जब इंडिया बल्लेबाजी करने आता है तो रोहित शर्मा एंडरसन की शानदार डिलीवरी के ऊपर आउट होते हैं। एंडरसन जिसको कहते हैं ना, अभी भी कायम और दाइम में शानदार किस्म की बॉलिंग करते हैं अपनी। और उसके बाद फिर गिल और जयसवाल के दरमियान में शानदार किस्म की पार्टनरशिप लगती है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो रूट लेके चले थे, इस तरीके से ये दोनों भी लेके चलेंगे और इंडिया बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर होते हैं। लेकिन एकदम शुभमन गिल, आपको पता ही है, सेट होने के बाद एकदम ऐसे आउट होके जाता है और फिर क्या होता है, रजत पतिदार आते हैं जो कि हर मैच में फ्लॉप हो रहे हैं। इस मैच के अंदर भी वो फ्लॉप हो जाते हैं, आते साथ ही आउट हो जाते हैं। उस पर सोने पर सुहागा, रविंद्र जडेजा भी आउट हो जाते हैं। लेकिन पिच थोड़ी सी आज कैरेक्टर चेंज हुआ पिच का, और जैसे इंग्लैंड ने सुबह बैटिंग की तो सुबह तो खैर वो मॉइस्चर भरा था। सुबह आई थिंक रोहित ने थोड़ा सा सिराज को ज़्यादा बॉलिंग करा दी, ही शुड हैव ब्रॉट ऑन स्पिनर्स वेरी क्विकली, लेकिन वो क्योंकि सेकंड न्यू बॉल थी तो आई थिंक दैट इज़ वाई, मतलब उसके जहन में था। लेकिन जडेजा ने फिर विकेट ली और इंग्लैंड फिर आफ्टर रॉबिनसन और उसकी जो पार्टनरशिप हुई है रूट की, मतलब आप सोचें यार, रूट ने अकेले खड़े होके 200 की पार्टनरशिप्स की, एक बेन फोक्स के साथ और एक फिर ये रॉबिनसन के साथ, उसने 102 या 3 की पार्टनरशिप की है, और बीच में एक 40 या 25 की उसने पार्टनरशिप की उसके साथ कैसे बोलते हैं हार्टली के साथ। सो दीज लाइक रन्स ऑन द लास्ट 3-4 विकेट्स हैव बीन सो वैल्यूएबल फॉर मतलब इंग्लैंड। और जो रूट नॉट आउट गया भाई वो 122 पे, और उसकी और जायसवाल की इनिंग में फ़र्क ये था कि रूट तो बिल्कुल ही कैसे बोलते हैं मेथोडिकल तरीके से और बिल्कुल जो एक कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट बैटिंग होती है वैसे वो करके गया। जायसवाल डिस्पाइट एवरीथिंग ही स्टिल ट्राइड टू प्ले हिज शॉट्स, ही हिट 6 ऑल्सो, कोई 9 चौके ही मारे उसने, और वो जिस टाइप का प्लेयर है, वो जो फ्लो है उसकी बैटिंग में, एंड बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ स्ट्रोक्स दैट ही हैज़ एंड द कॉन्फिडेंस राइट नाउ जो उसके अंदर है इस वक्त, तो वो तो खैर मतलब अगर बैटिंग करेगा तो वो स्लो बैटिंग कर ही नहीं सकता, वो हमेशा एक अच्छे रेट पे बैटिंग करेगा। इंडिया की जानिब से विकेट जब गिरी हैं बिल्कुल इस शैल में घुस गए, खास करके आई वॉज बिट डिसअपॉइंटेड विद सरफराज, लाइक यू शुड प्ले योर नेचुरल गेम। डोमेस्टिक में भी जब तुम 70 के स्ट्राइक रेट से रन करते हो, और पिछले मैच में भी तुम्हारी हर कोई वाह वाह बल्ले बल्ले यही कर रहा था कि भाई अपनी नेचुरल गेम खेली है, बेशक के तुम्हारा डेब्यू मैच था, तो आज भी उसी तरह की गेम खेलने की जरूरत थी। जब आप इतना रोकेंगे 50-60 गेंदे रोके 12-14, तो क्या ख्याल है कि कोई अच्छा गेंद नहीं पड़ेगा? मतलब ज्यादा सारे गेंद बल्ले पे ही आएंगे और आप रोकते जाएंगे। एक गेंद अच्छा आएगा, कोई टर्न होके अंदर आ जाए, पैड पे लग जाए, कुछ जैसे बल्ले से लग के कैच हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो रन तो रोटेट करने हैं, तो नेचुरल गेम को नहीं छोड़ना चाहिए था, वो जरा थोड़ा छोड़ा है, तो वो बीच में जरा डिसअपॉइंटेड लगा है। 53 गेंदों पे 14, तो अगर ये नेचुरल गेम खेलता तो 53 पे 40-45 आता, जो इसका तरीकाकार है खेलने का।